दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे क्रूक फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही जानेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट्स के बारे में भी। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। क्रूक सन 2010 में आई एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में इमरान हाशमी, नेहा शर्मा, अर्जुन बाजपा, डेन मैरिक, मशहूर अमरोही, केविन दावे, गुलशन ग्रोवर, शेला एलन, फ्रांसिस चौलर और जे ब्रैंडन हिल नजर आए थे। इस फिल्म को मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया था, इसकी कहानी भी उन्होंने लिखी थी और इस फिल्म के डायलॉग्स अंकुर तिवारी ने लिखे थे और इस फिल्म को मुकेश भट्ट ने प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म को कुल 1050 स्क्रीन के साथ 8 अक्टूबर सन 2010 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 23 करोड़ था और इस फिल्म ने इंडिया में 10 करोड़ 45 लाख का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 2 करोड़ 15 लाख का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 9 करोड़ 52 लाख का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 15 करोड़ 5 लाख का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 5.1 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 2010 की 30वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के म्यूजिक प्रीतम ने दिए थे, इसके लिरिक्स कुमार ने लिखे थे। इस फिल्म में कुल 5 गाने थे, इसके सभी गाने हिट रहे थे, पर फिल्म का 2 गाना, पहला छल्ला और दूसरा मेरे बिना, ये 2 गाना सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा था। तो चलिए इस फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। नंबर 1, ये फिल्म नेहा शर्मा की बॉलीवुड में डेब्यू फिल्म थी। नंबर 2, इस फिल्म के ज्यादातर सीन्स की शूटिंग ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में हुई थी। नंबर 3, इस फिल्म की कहानी सन 2007 से सन 2010 के बीच में ऑस्ट्रेलिया में भारतीय स्टूडेंट्स पर हुए हमले पर आधारित थी। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी और आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसे ही बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन और फैक्ट्स वाली वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।